नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। एक्चुअली हमने अभी जो लास्ट वीडियो अपडेट किया था जनरल नॉलेज को लेकर के, उसमें काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि सर, जो आपने प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताया है वो 16th ना हो करके 15th और 14th है। तो हम इस बारे में एक एक्सप्लेनेशन रिलीज कर देते हैं अपना, कि जो हमने बताया शायद वर्ड्स का उलटफेर हो सकता है आपके दिमाग में। आप कहीं पर लिस्ट देख रहे हो, गूगल पे देख रहे हो, या कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा हो कहीं, या फिर कहीं न्यूज़ में पढ़ा हो आपने। एक्चुअल में अभी जो हाल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं वो 16th प्रेसिडेंट इलेक्शन हैं। समझ लीजिएगा वापस, कौन से प्रेसिडेंट इलेक्शंस हैं वो 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 16वें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से ही थे। अब आप बोलोगे कि साहब ये न्यूज़पेपर में या गूगल पे या फिर किसी न्यूज़ में ये थोड़ा सा फेर क्यों आ गया। वो इसलिए है कि कहीं पर भी जहां पर आपने पढ़ा है, जैसे आप अभी गूगल खोल के देखोगे तो सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट दिखा रखे हैं, या मतलब दिखा क्या रखे हैं, एक्चुअल में थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो एक्चुअली 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। ऑब्वियस सी बात है, आपने उनको एक ही काउंट किया है। हामिद अंसारी साहब 2 बार रहे, आपने उनको एक ही बार काउंट किया है, तो इस हिसाब से 14 ही आएंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही जो प्रेसिडेंट है उसमें तो आपको और भी ज़्यादा फेरबदल नज़र आएगा, क्योंकि दो तीन बार मैं नंबर मेरे पास में फिक्स है नहीं, देखना पड़ेगा, लेकिन 2-3 बार जो हैं, जो लिस्ट में नाम दिखा रखे हैं, वो एक्चुअल में प्रेसिडेंट नहीं रहे हुए, वो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी जो इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, हम वापस आपको बताते हैं, ये 16th प्रेसिडेंट इलेक्शन और 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन थे। और इसको आप एक तरीके से और इस तरीके से समझ लीजिएगा, वर्तमान में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो 2री बार प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए कोई इलेक्शन होते नहीं है, लोकसभा इलेक्शन होते हैं। तो कौन से लोकसभा इलेक्शन से हुए, अब आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि साहब वो 14वें थे, 15वें थे, 16वें थे, वो 2री बार बन चुके हैं। 24 में अगर वो 3री बार वापस निर्वाचित होकर आते हैं तो उनको 3रा नंबर उनका काउंट होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। जो फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुए थे वो 16वें राष्ट्रपति चुनाव थे, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे वो भी 16वें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे। थैंक यू।